बात की जाए अगर 80 के दशक की आखिरी सुपरहिट मल्टी स्टारर फिल्म की, तो नाम उभर कर आता है फिल्म त्रिदेव का। और मल्टी स्टार कास्ट भी कैसी, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी और अनुपम खेर इत्यादि, यानी कमर्शियल छवियों और बेहतरीन एक्टिंग का सम्मिश्रण। तो आज की इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में मैं धर्मराज जाट आपको फिल्म त्रिदेव के बारे में सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। होगी ताकत अपूर, जिनका होगा निशाना अभेद लाएंगे। दोस्तों, त्रिदेव फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 34 साल पहले, साल 1989 में 7 जुलाई के दिन। फिल्म को त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया और फिल्म के निर्माता रहे गुलशन राय, जो कि त्रिदेव के अलावा दीवार, मोहरा, विश्वात्मा और जोनी मेरा नाम जैसी कई फिल्मों के निर्माता भी रहे। और फिल्म को निर्देशित किया राजीव राय ने, जो कि निर्माता गुलशन राय के बेटे भी हैं। साथ ही फिल्म की कहानी और पटकथा भी निर्देशक राजीव राय ने ही लिखी, और फिल्म के डायलॉग्स लिखे अरशद परवेज ने और के सिंह ने। और फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ओबियसली सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, सोनम, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, रजा मुराद, विजेंद्र गाटके, शरद सक्सेना, दलीप थाइल, सत्यजीत पुरी, डेन धनोवा, तेज सप्रू, यूनुस परवेज, चंद्रशेखर, शेखर सुमन और अंजना मुमताज इत्यादि। और अब बात अगर फिल्म के सुपरहिट होने की सबसे बड़ी वजह यानी कि फिल्म के गानों की करें, तो लगभग 2 घंटे 53 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 42 मिनट की लेंथ के कुल 10 गाने रखे गए, जिनमें नसीरुद्दीन शाह की आवाज में रखी गई 2 टाइटल पोएट्रीज भी शामिल हैं। और गानों के मुकड़े कुछ इस प्रकार हैं, ओए ओए ओवा के 3 वर्जन, गजर ने किया है इशारा, मैं तेरी मोहब्बत में, गली गली में फिरता है और रात भर जान से। गानों को कंपोज किया कल्याण जी, आनंद जी और विजू शाह ने, और सारे गानों के लिरिक्स लिखे आनंद बख्शी ने, और इन गानों को गाया अमित कुमार, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज, साधना सरगम, मनहर उदास, सपना मुखर्जी, जोली मुखर्जी, उदित नारायण और अलीशा चिनॉय ने। और अब बात अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की करें, तो इस फिल्म को 3 करोड़ 5 लाख के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने इंडिया में 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कलेक्शन रहा 17 करोड़ 20 लाख। और फिल्म के इस बजट और कलेक्शन की गणना हम 2023 के हिसाब से करें, तो उस समय के 3 करोड़ 5 लाख आज के लगभग 32 करोड़ होते हैं, और उस समय के 8.5 करोड़ के आज लगभग 90 करोड़ होते हैं, और उस समय के 17 करोड़ के होते हैं आजकल लगभग 180 करोड़। खैर, कलेक्शंस के अकॉर्डिंग त्रिदेव एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और साल 1989 में कमाई के मामले में तीसरी सबसे बड़ी फिल्म रही थी। साल 1989 में कमाई के मामले में पहले नंबर पर रही थी फिल्म मैंने प्यार किया, दूसरे नंबर पर राम लखन, तीसरे नंबर पर त्रिदेव, चौथे नंबर पर चांदनी और पांचवे नंबर पर रही थी फिल्म चालबाज। मतलब 1989 में सनी देओल की 2 फिल्मों ने टॉप 5 में जगह बनाई थी, त्रिदेव और चालबाज। और अब बात कर लेते हैं फिल्म को मिले अवार्ड्स की। तो 35वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में त्रिदेव फिल्म को कुल 6 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिले। पहला बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन सपना मुखर्जी को गाने तिरछी टोपी वाले के लिए, और ये अवार्ड सपना मुखर्जी ने जीता भी। दूसरा बेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग का नॉमिनेशन बीवी चतुर्वेदी को, और बीवी चतुर्वेदी ने भी ये अवार्ड जीता। तीसरा नॉमिनेशन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अमरीश पुरी को, लेकिन अवार्ड जीता नाना पाटेकर ने फिल्म परिंदा के लिए। चौथा बेस्ट म्यूजिक का नॉमिनेशन कल्याण जी, आनंद जी को और विजू शाह को मिला, लेकिन अवार्ड जीता राम लक्ष्मण ने फिल्म मैंने प्यार किया के लिए। पांचवा बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड का नॉमिनेशन अमित कुमार को गाने तिरछी टोपी वाले के लिए मिला, लेकिन अवार्ड जीता SP बाला सुब्रमण्यम ने फिल्म मैंने प्यार किया के गाने दिल दीवाना के लिए। और छठा नॉमिनेशन मिला अलीशा चिनॉय को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का गाने रात भर जाम के लिए, लेकिन अवार्ड जीता ऑब्वियसली सपना मुखर्जी ने गाने तिरछी टोपी वाले के लिए। यानी कुल 6 फिल्म फेयर नॉमिनेशंस में से त्रिदेव फिल्म ने 2 अवार्ड जीते। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के बनने के दौरान के कई दिलचस्प वाक्यों की। त्रिदेव डायरेक्टर राजीव राय की दूसरी फिल्म थी और इससे पहले आई उनकी फिल्म युद्ध बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, इसलिए त्रिदेव के लिए राजीव राय काफी सजग थे
लिहाजा उन्होंने करण सक्सेना वाले रोल के लिए तो सनी देओल को सबसे पहले साइन कर लिया। उसके बाद रवि माथुर वाला जो किरदार था उसके लिए वे पहले संजय दत्त को लेना चाहते थे, लेकिन संजय दत्त ने ये कहकर मना कर दिया कि रोल बहुत ही छोटा है, और फाइनली जेकी श्रॉफ को साइन किया गया जो कि राजीव राय की पहली फिल्म युद्ध में भी नजर आए थे। और फिर त्रिदेव जेकी श्रॉफ के करियर की 1989 की तीसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि त्रिदेव के अलावा भी 1989 में जेकी श्रॉफ की अन्य फिल्म राम लखन बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। तो फिल्म परिंदा ने सक्सेस के साथ साथ जेकी श्रॉफ को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। इसके बाद जयसिंह वाले किरदार के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद थे मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन मिथुन दा उस समय अन्य फिल्मों में बहुत व्यस्त थे इसलिए उन्होंने भी ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। मिथुन दा के बाद एक समय पर जयसिंह वाले रोल के लिए चंकी पांडे को लिया जाना था, और चंकी पांडे ये किरदार करने के लिए बेहद उत्सुक भी थे, लेकिन त्रिदेव की जब शूटिंग होनी थी वही तारीखें चंकी पांडे किसी और फिल्म के लिए दे चुके थे इसलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाए। और फाइनली राजीव राय ने नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया। अब नसीरुद्दीन शाह उस समय 8 फिल्में किया करते थे और 8 फिल्मों में उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, लिहाजा उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि वे त्रिदेव जैसी कमर्शियल फिल्मों में काम करें। इसलिए त्रिदेव फिल्म का ऑफर जब उनके पास आया तो उन्होंने इसे जब से स्वीकार कर लिया, लेकिन तब तक नसीरुद्दीन शाह ये समझ रहे थे कि फिल्म में उनका रोल या तो बतौर सपोर्टिंग एक्टर होगा या कोई चरित्र किरदार होगा। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि वो फिल्म के वन ऑफ द लीड एक्टर हैं तो वह और भी ज्यादा खुश हुए, और इस फिल्म की सफलता और खासकर गाने ओए 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 की सफलता ने नसीरुद्दीन शाह को कमर्शियल सिनेमा में अच्छे से स्थापित भी किया। नसीरुद्दीन शाह के बाद बात अगर माधुरी दीक्षित की करें तो उन्हें जब इस फिल्म के लिए साइन किया गया तब तक वो सोनम और संगीता बिजदानी के मुकाबले तो काफी फिल्में कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें वो स्टार स्टेटस नहीं मिला था, इसलिए संगीता बिजदानी और सोनम के मुकाबले काफी कमजोर होने के बाद भी त्रिदेव का ये रोल उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा प्रोड्यूसर रिकू राकेश नाथ, जिन्होंने माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर और गोविंदा वगैरह की उनके करियर निर्माण में बहुत सहायता की थी, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने माधुरी दीक्षित को सलाह दी थी त्रिदेव में सनी देओल के अपोजिट रोल करने के लिए, वरन इससे पहले माधुरी दीक्षित को नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट साइन किया जाना था, और सनी देओल के अपोजिट जो रोल था उसके मुकाबले नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट वाला रोल ज्यादा मजबूत था। ये जानते हुए भी रिकू राकेश नाथ ने माधुरी दीक्षित को सनी देओल के अपोजिट रोल साइन करने की सलाह इस वजह से दी थी क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में ये अफवाह थी कि वो रिकू राकेश नाथ ही थे जो माधुरी दीक्षित को सनी देओल के साथ फिल्म में साइन करने से रोक रहे थे। खैर जो भी हो, माधुरी दीक्षित को सनी देओल के अपोजिट साइन कर लिया गया और ऑब्वियसली उनका रोल सोनम के रोल के मुकाबले काफी कमजोर भी था, और इसी के चलते फिल्म के क्लाइमेक्स में जो गाना आता है गजर ने किया है इशारा, उस गाने को जब शूट किया गया तब सेंटर में सोनम को रखा गया, लेकिन इस गाने की शूटिंग के तुरंत बाद ही माधुरी दीक्षित की अन्य फिल्म तेजाब रिलीज हुई, और तेजाब फिल्म के गाने 1, 2, 3 ने माधुरी दीक्षित को ह्यूज स्टारडम दिलाया, और इसी स्टारडम को त्रिदेव फिल्म में बुनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय ने गजर ने किया है इशारा गाना फिर से शूट किया और केंद्र में माधुरी दीक्षित को रखा। हालांकि इस बारे में भी सोनम ने अपने एक इंटरव्यू में अलग बात कही। सोनम ने कहा कि उस गाने के दौरान कोरियोग्राफर सरोज खान मुझसे जो स्टेप करवाना चाह रही थी वो मुझसे हो नहीं रहा था, और उसकी वजह से मुझे सरोज खान की काफी डांट भी खानी पड़ी, और साथ ही उस गाने की शूटिंग भी ऊटी के एक वॉटरफॉल पर लगाए गए सेट पर हो रही थी, और सेट पर जो झूला बना हुआ था वो धीरे धीरे जमीन में धस रहा था तो समय की काफी कमी थी, इसलिए उन्हें साइड में रखा गया और माधुरी दीक्षित को केंद्र में रखा गया ताकि जल्दी से गाने की शूटिंग हो जाए। वैसे त्रिदेव ऐसी एकमात्र फिल्म है जिसमें माधुरी दीक्षित और सनी देओल हमें एक जोड़ी के रूप में नजर आए। हाँ, इसके सालों बाद आई फिल्म ये रास्ते ही प्यार के में भी सनी देओल और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे, लेकिन उस फिल्म में सनी देओल का कैमियो अपीयरेंस था जबकि त्रिदेवी में माधुरी दीक्षित और सनी दोनों ही लीड रोल में थे। दोस्तों, एक्ट्रेस सोनम जो कि नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट नजर आई, उन्होंने फिल्म में रजा मुराद की बेटी का रोल निभाया था जबकि असल जिंदगी में वे रजा मुराद की शायद भांजी या भतीजी हैं। साथ ही उनका रियल नेम सोनम ना होकर बख्तावर खान है जो कि किसी हीरोइन का नाम कम और किसी विलेन का नाम ज्यादा लगता है, इसलिए फिल्मों के लिए उन्होंने सोनम नाम चुना। और त्रिदेव फिल्म की शूटिंग के समय सोनम फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय के काफी करीब आ गई थी और बाद में इन दोनों ने शादी भी कर ली।
हालांकि बहुत सालों बाद सोनम और राजीव राय का डाइवोर्स भी हो गया। इसके अलावा एक्ट्रेस संगीता बिजदानी के अनुसार वो सिर्फ मॉडलिंग करती थी और उन्हें फिल्मों में आने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन एक रैंप वॉक के दौरान उन्हें राजीव राय ने देखा, पसंद किया और फिर उनसे और उनकी माँ से आग्रह किया कि संगीता को फिल्मों में काम करना चाहिए। और लव स्टोरी नाम की एक फिल्म जो उस समय राजीव राय बना रहे थे उसमें वे संगीता बिजदानी को कास्ट भी करना चाहते थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते वो फिल्म नहीं बन पाई, लिहाजा फिर त्रिदेव फिल्म में उन्हें साइन किया गया। हालांकि त्रिदेव की रिलीज से पहले ही संगीता बिजदानी की दो फिल्में रिलीज हो चुकी थी, कातिल और हथियार, लेकिन त्रिदेव को संगीता बिजदानी ने कातिल और हथियार से पहले साइन किया था, जबकि त्रिदेव के उस रोल में संगीता बिजदानी से पहले एक्ट्रेस नीलम को लिए जाने की बात भी सामने आती है, लेकिन नीलम के पास उचित तारीखें उपलब्ध नहीं थी इसलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाई। साथ ही फिल्म में अनुपम खेर जो कि जैकी श्रॉफ और सनी देओल के हम उम्र ही थे, वो उनके फादर फिगर और फादर के रोल में नजर आए क्योंकि उनकी इमेज ही ऐसी बन चुकी थी। साथ ही अमरीश पुरी बतौर विलेन उस समय बहुत प्रचलित थे, इसलिए उन्हें इस फिल्म के लिए बतौर मेन विलेन साइन किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही अमरीश पुरी के दो बेटों के किरदार जो कि तेज सप्रू और डेन ध्रोवा ने प्ले किए, उनमें से किसी एक रोल के लिए शक्ति कपूर को साइन किया जाना था, लेकिन शक्ति कपूर के पास उस वक्त डेट्स नहीं थी और शक्ति कपूर की फीस को लेकर भी शक्ति और राजीव राय में सहमति नहीं बन पाई, इसलिए उन्हें साइन नहीं किया गया। लेकिन फिर त्रिदेव फिल्म की रिलीज के 3 सालों बाद चंकी पांडे की बर्थडे पार्टी में अचानक से राजीव राय और शक्ति कपूर का आमना सामना हो गया। अब शक्ति कपूर शराब के नशे में धुत थे तो वे मजाक के अंदाज में राजीव राय से कहने लगे कि तुमने मुझे त्रिदेव के लिए साइन क्यों नहीं किया, और ये सब कुछ मजाक तक तो ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे रात बीती वैसे शक्ति कपूर का नशा बढ़ गया। वो गाली गलौज पर उतारू हो गए और उन्होंने राजीव राय की पत्नी यानी एक्ट्रेस सोनम के बारे में अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, जैसे कि इसके तो इंडस्ट्री के कई लोगों से संबंध है वगैरह वगैरह। और ये बात जब राजीव राय के दोस्त शब्बीर बॉक्सवाला को नागवार गुजरी तो उन्होंने शक्ति कपूर को थप्पड़ जड़ दिया, और फिर क्या था, सिक्योरिटी बुलाई गई और शक्ति कपूर को पार्टी से रवाना किया गया, लेकिन शक्ति कपूर पार्टी से न जाकर उनके ड्राइवर के साथ बाहर किसी कोने में छुप गए। और जैसे ही पार्टी खत्म हुई शब्बीर बॉक्सवाला बाहर निकले तो शक्ति कपूर और उनके ड्राइवर शब्बीर बॉक्सवाला पर टूट पड़े और उनके बीच थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई, और बाद में शक्ति कपूर को किसी तरह पार्टी स्थल से बाहर निकाला गया। दोस्तों शक्ति कपूर के ऐसे कई किस्से हैं जो ये साबित करते हैं कि वो रियल लाइफ में भी शक्ति कपूर ही हैं। ऐसा ही एक किस्सा उनका फिल्म कुर्बानी के दौरान का भी है, लेकिन अभी त्रिदेव फिल्म पर बात कर लेते हैं। तो सारी कास्ट फाइनल होने के बाद अक्टूबर 1987 में फिल्म की शूटिंग शुरू की गई और फिल्म का मुहूर्त क्लिप धर्मेंद्र ने दिया। दोस्तों फिल्म के सुपरहिट होने में फिल्म के गानों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और वैसे तो गुलशन राय की बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म का म्यूजिक भी कल्याण जी आनंद जी ने ही कंपोज किया था, लेकिन इस फिल्म के साथ जहां डायरेक्टर के रूप में राजीव राय जैसे यंग टैलेंट जुड़े थे तो वहीं कंपोजर के रूप में भी कल्याण जी आनंद जी के साथ कल्याण जी के बेटे विजू शाह जुड़े हुए थे। दरअसल त्रिदेव से पहले आई फिल्म युद्ध के गानों के निर्माण के समय भी विजू शाह और राजीव राय बहुत समय साथ में बिताया करते थे, और इसी दौरान उन्होंने आगामी फिल्म त्रिदेव के गाने तिरछी टोपी वाले पर भी बहुत सारा काम कर लिया था जो कि गुलशन राय और कल्याण जी आनंद जी को काफी पसंद आया, और फिर त्रिदेव के बाकी के गानों का ज्यादातर काम भी विजू शाह ने ही संभाला। और फिर त्रिदेव के गानों की सफलता को देखते हुए राजीव राय की आगामी सारी फिल्मों के लिए भी विजू शाह ने ही संगीत निर्देशन का काम किया। हालांकि विजू शाह की ज्यादातर धुनें अंग्रेजी गानों से कॉपीड या कहें कि इंस्पायर्ड होती थी। दोस्तों फिल्म का सारा काम कंप्लीट होने के बाद 3 महीनों के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड में भी अटकी पड़ी रही थी, क्योंकि सेंसर बोर्ड का कहना था कि फिल्म के तीनों नायक सिस्टम के खिलाफ जाकर सारा काम करते हुए दिखाए गए हैं, जिसे सही नहीं कहा जा सकता। साथ ही तिरछी टोपी वाले गाने को भी पुलिस वालों के लिए अपमानजनक कहा गया, क्योंकि टोपी तो पुलिस वाले ही पहनते हैं, जिसकी बदौलत सेंसर बोर्ड और फिल्म के मेकर्स के बीच इस पर केस चला और फाइनली मेकर्स ने केस जीता और फिल्म रिलीज होकर सुपरहिट हुई। और फिर फिल्म की सफलता को देखते हुए इसे तेलुगु में रीमेक किया गया। फिल्म का तेलुगु रीमेक नक्षत्र पोरतम साल 1993 में रिलीज हुआ, जिसके लीड रोल में सुमन तलवार, भानुचंद्रन प्रसाद और अरुण पांडियन नजर आए। इसके अलावा त्रिदेव को हिंदी में भी साल 1996 में रंगबाज टाइटल से रीमेक कर रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म के तीनों ही लीड रोल मिथुन चक्रवर्ती ने किए, यानी फिल्म में मिथुन दा ट्रिपल रोल में नजर आए। और क्योंकि रंगबाज एक लो बजट मूवी थी
तो त्रिदेव के कई एक्सपेंसिव ब्लास्ट सीन्स हूबहू उठाकर रंगबाज में डाल दिए गए थे। यानी रंगबाज को आप त्रिदेव की एक सस्ती कॉपी भी कह सकते हैं। और साल 2022 में त्रिदेव को सलमान खान के साथ रीमेक करने की खबरें भी आई थी, लेकिन वो सिर्फ खबरें बनकर रह गई। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो त्रिदेव फिल्म को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन YouTube पर उन्हें फिल्म मिलती नहीं है। फिल्म के कुछ सीन्स तो YouTube पर मौजूद हैं, लेकिन पूरी फिल्म YouTube पर नहीं मिलती है। तो आप भी अगर ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको Zee5 के ऐप पर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आप वहां से फिल्म देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने तो ये फिल्म थिएटर में नहीं देखी थी, लेकिन आप में से किसी ने ये फिल्म अगर थिएटर में देखी हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस वीडियो में दी गई मेरी जानकारी अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल का ऑप्शन भी चुन लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द घायल मूवी के दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।